जय हिंद। मैं संगीता, पुलिस सब इंस्पेक्टर पुणे इंडिया से और माइंड हिप्नोटिज्म चैनल के माध्यम से आपसे बात कर रही हूँ। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसका यूज़ हमारे लाइफ में बहुत सारे लोगों ने किया है और वो अभी ऊंचाई के शिखर पर जाकर बैठे हैं, चाहे वो सेटिस्फैक्शन से हो या मनी से हो या फिर दोनों से भी हो। वो हमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हमको एजुकेशन आना चाहिए, वो पहले समझना चाहिए क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसमें समझ लिया हम लॉ, ये वर्ड लिया तो हमारे नज़र के सामने क्या आता है? पुलिस और कोर्ट। फिर वहाँ लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, टाइम तो कितना चला जाता है, साल, दो साल, दस साल, चाहे बीस साल भी चले जाते हैं। रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता वो डिपेंड अपॉन सिचुएशन। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स यूनिवर्स, यूनिवर्स के साथ हमारे थॉट्स से जुड़ जाना है और वहाँ हमारे फायदे की, हमारे सक्सेस की क्रिएटिविटी खुद के सोच के साथ करना है। वहाँ ना लाखों करोड़ों पैसे खर्च करना है, ना वहाँ हमारा फिजिकल बॉडी से जुड़ जाना है, वहाँ सिर्फ हमारे थॉट से जुड़ जाना है और वहाँ हमारे लिए बहुत ही जल्द रिजल्ट है। 10-20 साल तो इतने साल तो नहीं लगेंगे कि तू जल्द ही, जैसे आपकी सोच का, जैसे आप उसके साथ जुड़ जाते हो, जितने जल्दी जुड़ जाते उतने जल्दी आपको रिजल्ट है। उसके लिए आपको सोच के साथ क्रिएटिविटी करना है, एक्टिविटी करना है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी ताकि आपके ख्याल में आ जाए। जैसे कि किसी को पूछा जाए कि आपको कौन सा खाना पसंद है, क्या क्या पसंद है, वो कहेंगे मुझे कॉफ़ी पसंद है, आइसक्रीम पसंद है, पिज़्ज़ा पसंद है, पानी पूरी पसंद है, रोटी सब्जी पसंद है, फिर मुझे खीर पूरी भी पसंद है, सब चीज़ें वो एक साथ कहेंगे, वेज नॉन वेज जो भी हो, और उनको एक साथ खाने को देंगे, समझ, उसको दे दिया एक साथ खाने के लिए, क्या वो खा सकेंगे? समझ लीजिए, समझो उन्होंने खा भी लिया तो क्या वो हजम कर पाएंगे? समझ लिए उन्होंने हजम भी कर लिया, फिर वो, फिर एक घंटे बाद उसको वही खाना फिर से खाने को देंगे तो वो खा सकेंगे? ऑब्वियसली नहीं। तो उसी तरह मैं नॉलेज आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगी ताकि आपकी समझ में आ जाए, ठीक है? तो हमको हमारा माइंड प्रिपेयर करना है पहले, तो